हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ज्ञान मंत्रा। तो फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस ज्ञान मंत्रा में, जहाँ पे हम रोज़ नई नई स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज लेके आते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज एंटरप्रेनर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, और हर एक जो कॉमन लाइफ है, जिस भी कंडीशंस में, जिस भी सिचुएशन में जो भी इंसान है, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कैसे आप एग्ज़ाम्स के टाइम में, स्टडी के टाइम में अपने आप को मोटिवेट करते हो। तो इसी लेक्चर की हम एक कोट से स्टार्ट करते हैं, एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। तो एक मोटिवेशनल जो कोट्स है वो कहता है कि इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो, इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो, एज लॉन्ग एज यू डो नॉट स्टॉप। तो कछुए वाली कहानी सुनी होगी कि धीरे धीरे चलो लेकिन रुको मत। तो सेम यही अप्लाई इसके करो, तो अल्टीमेटली विल गेट द सक्सेस। सो सबसे पहले आप जो आपकी जो मोटिवेशंस की जो लेसन स्टार्ट होता है, हमारा सबसे पहला जो लेसन है वो है कि जो आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो गोल्स हैं उसको सेट करो, क्लियर करो गोल्स को। बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उसको जाना कहाँ है, करना क्या है, वाई ही एंड सी इज देयर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अ पर्टिकुलर प्लेस, वाई ए स्टूडेंट इज डूइंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दे डोंट नो, दे डोंट अवेयर अबाउट दैट, अबाउट देयर मिशन, अबाउट देयर विजन, कि अल्टीमेट उनका विजन क्या है। तो उनको विजन ही क्लियर नहीं है, तो विजन आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपका सेट है वो गोल करना पड़ेगा। जैसे आपको IAS बनना है, या IRS, या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंकिंग में जाना है, या आपको किसी अदर कॉरपोरेट में जाना है, या आपको लॉ में जाना है, तो आपके सेट्स हैं, वो गोल्स हैं, वो क्लियर करो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। तो ये एक बार आपको सेट गोल कर लोगे तो उसी सेट के अकॉर्डिंग, उसी विजन के अकॉर्डिंग आपके सारे गोल सेट होंगे और आपको मिशन अचीव करते रहोगे, और मिशन अचीव हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका जो विजन है वो आपको मिल जाएगा एक ना एक दिन। सो आपके गोल्स हैं वो सेट करो सबसे पहले, नंबर एक पॉइंट। सो नंबर दो पे क्या आता है कि सबसे पहले हमें, उसके बाद हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों का क्या है कि कोई शेड्यूल ही नहीं है, ना खाने पीने का शेड्यूल है, ना सोने जगने का शेड्यूल है, ना ही पढ़ने लिखने का शेड्यूल है। तो एक अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ कि कब हमें किस टाइम पे प्रॉपर हमने लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, कब हमें सोना है, कब हमें उठना है। तो एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ और हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। ये नहीं कि आप एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो आपको अच्छा लगे तो उस पर फोकस किया और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दो, नो। हर एक सब्जेक्ट को जितना भी टाइम, फॉर एग्जांपल रीजनिंग को आप टाइम दो, इसके अलावा आपका जो मैथ है उसको टाइम दो, इंग्लिश को टाइम दो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड है, अगर आप जो है टीचिंग से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, डाटा इंटरप्रिटेशंस हैं, तो इन चीज़ों पे आप फोकस करो, हर एक सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो। तो एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ, प्रॉपर टाइम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैं देखता हूँ जाके क्या करते हैं, घर जाए अपना बस सोशल मीडिया पे बस बिजी हो गए, या कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। सो वो अपना मैनेज नहीं कर पा रहे और रात रात तक सोते हैं, लेट जगते हैं लेट तक और उठते लेट हैं। तो ये है, एक रूटीन सुधारो आपका, एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ हर एक सब्जेक्ट का, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। अगर आपकी रूटीन बन गई तो सब चीज़ आपकी लर्निंग अच्छी होगी, और आपकी मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और आपका जो ग्रैबिंग जो कैपेसिटी है, जो कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। सो इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि जो आपका एक स्टडी स्पेस, एक पर्टिकुलर आपको स्टडी स्पेस चाहिए जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है उसको एक बार साइड में रख दो जिस टाइम पढ़ रहे हो, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स आ जाए कि जो उठानी है उसके बिना काम नहीं चलेगा, या जो एमरजेंसी है वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज जितने भी आप सोशल मीडिया में आप लिप्त हो जाते हो, आप खो जाते हो सोशल मीडिया में, इतने ज़्यादा डूब जाते हो कि आपको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो और सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्टेंस बना लो। क्योंकि सबसे बड़ा जो आज के जो यंग जनरेशन में, स्टूडेंट की जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो थ्रेट्स है, आने वाले जो जनरेशन है उसका सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं टाइम है जो खा रहे हैं, जो बच्चों का जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो यंग है, जो आप किसी चीज़ को भी पढ़ लिख के एक बदल सकता है, एक कंट्री के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन के, अच्छा एक लॉयर बन के, या कोई अच्छा एक जुडिशरी में जाके, या कोई और
और कोर्स करके एक कंट्रीब्यूट कर सकता है कि इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस होती है। बट उस चीज़ को जो टाइम है प्रॉपर पढ़ने का, लर्निंग का, वो टाइम सारा यंग जो जनरेशन है वो डिवोट कर देती है अपना किस में, सोशल मीडिया पे। तो आपको एक स्पेस चाहिए, एक पर्टिकुलर ऐसा स्पेस जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम है, रूम है, बस रूम में आप हो, बस आप थोड़ी देर जो भी आपकी एंटरटेनमेंट की जो भी डिवाइसेस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको साइड में रख दो। कई बच्चे देखता हूँ बुक खोल लेते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट कानों में ईयरफोन है, सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, साथ के साथ कुछ और देख रहे हैं और साथ के साथ किताब खोल के रख रखी। ना, इससे आपका क्या होगा, एक माइंड डाइवर्ट होगा और जो चीज़ें जानी चाहिए ना आपके माइंड में वो नहीं जाएंगी। आपको बस जो मज़ा आ रहा है, जो गाने सुनने में जिसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो आपको दिमाग में जाएगी। तो वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो, वो आपके मेमोरी में स्टोर हो ही नहीं पाएंगी। वो टेम्पररी एक दो मिनट के लिए स्टोर होंगी, उसके बाद बस रिमूव हो जाएंगी, धूमिल हो जाएंगी वो मेमोरी थोड़े दिन के बाद। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको स्पेस चाहिए, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, जहाँ पे एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट है, प्रॉपर लाइटिंग है, ठीक है, एक अपना पानी पीने का प्रॉपर आप रख लो, पानी है या खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें वो रख सकते हो आपके पास। तो एक कंटिन्यूशन ज़रूरी है, एक घंटा दो घंटे की सिटिंग ज़रूरी है। अगर दो दो पाँच पाँच मिनट बाद उठ के जा रहे हो, उसमें क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, एक प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपका एक जो डाइवर्ट होगा दिमाग। तो आप एक घंटे बाद पाँच सात मिनट का ब्रेक ले सकते हो, आधे घंटे बाद एक दो मिनट का गैप ले सकते हो, ताकि जिससे आपको रिफ्रेश लगे और दोबारा आप पढ़ने बैठ सकते हो। तो इससे कोशिश करना कि आपका ऐसा एक कमरा हो, एक ऐसा रूम हो जहाँ पे कम से कम फैमिली का इंट्रैक्शन हो, कम से कम डिस्टर्बेंस हो, और अपने मोबाइल फ़ोन या डिवाइसेज या सोशल मीडिया को थोड़ी देर साइड में रख दो। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो फोर्थ आता है वो है आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। वो ज़रूरी है कि स्टडी टेक्निक्स कौन कौन सी अपनाएं आप लर्निंग के टाइम पे। तो सबसे पहले जो स्टडी टेक्निक्स है, आपका रिवीजन की टेक्निक्स है, आप चीज़ों को कैसे रिवाइज करते हो, उसको मेमोराइज कैसे करते हो और उसको रिपीट कैसे करते हो। तो रिपीटेशन टेक्निक, रिवीजन और आपकी समराइज की, समराइज चीज़ों को जो भी आपको आपने टीचर ने पढ़ाया है क्लास में, उसको घर आके उन चीज़ों को रिवाइज करो, लिखने की कोशिश करो, जितना भी हो सके जितने कॉन्सेप्ट को आप नोट्स बना लो, लिखो, जितना भी कोशिश करोगे लिखने की, वो चीज़ें आपको उतनी ही जल्दी याद होंगे। बट इफ़ यू नॉट राइट एंड यू ओनली जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग, इट विल नॉट वर्क। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो जितना आप राइटिंग पे फोकस करो, देखो कोशिश करके देखो, 10 दिन तक लगातार लिखते रहो, लिखने की कोशिश करो। आप जिस दिन 20 या 25 पेज भर जाएंगे ना, उस दिन के बाद मेरे को आके बताना कि रियली में मेरे को बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ा है, लर्निंग में फ़र्क पड़ा लिखने से। तो हम जब लिखते होते हैं ना, जो हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो स्टोर हो जाती हैं। आप जब रीडिंग करके एक बार हट जाते हो चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं हमारी धूमिल हो जाती है, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होकर थोड़े दिन बाद वो ख़त्म हो जाती है। बट आप लिखते हो वो चीज़ें, आप लिखने के साथ साथ आपका माइंड काम करता है और आंखें खुली होती हैं और साथ के साथ आपका दिमाग भी खुला होता है, वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती हैं। तो कोशिश करो आप लिखने की जितनी ज़्यादा लिख सको, रिवाइज करो चीज़ों को। जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। आप क्लास में पढ़ाए, टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद घर आए, घर आते ही आपको सब गायब, दिमाग में से सब गायब, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो उन चीज़ों को याद करो, रिवाइज करो आके, मेमोराइज करो चीज़ों को और रिपीट करने की कोशिश करो, बार बार उन चीज़ों को रिपीट करो, उन जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रिपीट करो, रिवाइज करो, समराइज करो। तो हर एक की समरी बना के तैयार कर लो कि आज मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा था, टीचर ने ये पढ़ाया टॉपिक, उसकी समरी क्या है। तो हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर की आप समरी बना लो। आप फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट पेपर में भी अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, देन डाटा इंटरप्रिटेशन है, फिर आपका जो है पीपल एंड पॉलिटी है, फिर हायर एजुकेशन है। तो इस तरह से डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स की एक हर एक की जो भी टॉपिक है उसकी समरी बना के रख लो। कहते हैं ना सागर में जो गागर में सागर, वो वाली बात है। तो एक जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक पूरा सागर का सागर आपके गागर में आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ सारी हर एक चैप्टर की एक समरी बना के रख लो बस, एंड मोमेंट पे जो समरी बनाई है ना आपको, वो समरी ही आपकी काम आएगी, देखना। तो इसमें आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा। कोई जो है बच्चे हैं जिनका यूजीसी नेट क्लियर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं किसी वजह से रह गया, तो ये टेक्निक कोशिश करना, तो डेफिनेटली आप पिछली बार की बजाय अब
नेक्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका रिजल्ट इम्प्रूव होगा, ये डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूँ। चीज़ों को लिखने की कोशिश करो, समरी बना लो और समरी को लास्ट टाइम रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा, अच्छा स्कोर होगा, अच्छे स्कोर आएंगे एग्जाम में डेफिनेटली। उसके बाद जो फिफ्थ जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि स्टे मोटिवेटेड। हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, डिमोरगलाइज नहीं होना है, किसी की बात नहीं सुननी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बस पैर पकड़ने की नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं, लेग पुलिंग का काम करते हैं। वो जी कहीं प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज में, या आप पर्सनल लाइफ लगा लो, या फैमिली लाइफ, या कम्युनिटी, या सोसाइटी, तो लोग हैं क्या है, जलते हैं एक दूसरे को देखने से। तो इसमें कई बार डीमोटिवेट करने की कोई कोशिश करते हैं, यार अटेम्प्ट नहीं हुआ एग्ज़ाम, छोड़ यार क्यों कोशिश कर रहा है, कहीं और बैंक मूंग की तैयारी कर ले, या कुछ और प्रिपरेशन कर ले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो इसमें अगर नहीं हो रहा तो छोड़, तू क्यों इसमें पंगों में पढ़ रहा, अपना कोर्स कर, अपना कंटिन्यू कर, क्यों यूजीसी नेट के चक्कर में पढ़ रहा है, क्यों अलग कोर्सेज के चक्कर में पढ़ना है। नहीं, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको फोकस करना है, आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको कंटिन्यू अटेम्प्ट करते रहना है जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाए। हार नहीं माननी है, हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट आपको तैयार रखना है एक समरी बना के, ठीक है। तो मोटिवेट कैसे होगे, आपको जैसे कोई भी एक विजन बोर्ड बना लो, है आपका एक विजन बोर्ड में सब पॉइंट लिख दो कि ये मेरा विजन है, इसको मैं क्लियर करना है। एक छोटा सा बोर्ड ना या नोट लगा लो दीवार के ऊपर, टेबल के सामने चिपका लो, ये मेरा विजन है। तो एक विजन बोर्ड बना लो, विजन बोर्ड बना के आपका एक, या तो एक लिस्ट ऑफ रीजन्स लिख लो कि व्हाई आई वांट टू डूइंग दैट, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम देयर। आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो, आपका स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको जानो, आपकी वीकनेसेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, और आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, जो आप पढ़ रहे हो उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैंकिंग में भी जा सकते हो, यूजीसी नेट की भी तैयारी हो रही है साथ के साथ, अदर कम्पिटिटिव आईएएस या आईपीएस या यूपीएससी एग्जाम्स की भी तैयारी, एसएससी की भी एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। तो आपके लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपकी ओपन हो रही है, आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अपॉर्च और थ्रेट्स, आपको थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करो। तो सबसे बड़ा मैंने थ्रेट्स बताया ही था आपको, तो सबसे बड़ा थ्रेट्स क्या था, सबसे बड़ा थ्रेट्स था हमारे पास आपका मोबाइल फ़ोन, आपका सोशल मीडिया, थोड़ी देर उसको साइड में रख दो। तो ये स्वॉट एनालिसिस है, इसको आप जब कर लोगे कि आपका स्वॉट क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या है, फिर आपका क्लियरली हो जाएगा कि व्हाई आई एम देयर, व्हाई आई एम डूइंग दैट, व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम्स, व्हाट इज द रीजन that I am studying that, what is the reason that I am pursuing that course, what is the reason that I am doing that type of the business। So a list of reason या एक vision board आप बना लो, उससे आपका एक motivation मिलेगा। हर बार जब vision आपको board पर देखोगे तो उसमें motivation मिलेगा, तो you will stay motivated for the long time until unless you will be just attempt your exams, and after the attempting the exam you will be still motivated। So motivation नहीं जाएगा, आप बाकी लोगों को भी motivate करोगे। तो ये एक तरीका अपनाओ, उसमें जो हमारा फिफ्थ पॉइंट बताया था। उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है कि आपका जो हेल्दी हैबिट्स है, तो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की जो हेल्दी हैबिट्स नहीं है, तो वो क्या है, कहीं बाहर का खा लिया, एक्सरसाइज नहीं करना, लेट सोना, लेट उठना, जंक फूड खाना, उससे क्या है एक जो हैबिट्स हैं उसकी ख़राब हो रही हैं। उस वजह से आपका क्या है, कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत बीमार हो जाते हो, स्टमक पेन हो जाता है, कहीं एसिडिटी बन जाती है, वो चीज़ें क्या है आपके जो बीच में हर्डल्स बनती है, जो आपकी लर्निंग के बीच में आती है कहीं ना कहीं चीज़ें। तो एक जो अच्छी हैबिट बनाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, अच्छी न्यूट्रिशन लो, एक्सरसाइज करो प्रॉपर, सुबह उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, योगासन करो, मेडिटेशन करो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा। एक अच्छी हेल्दी स्लीप लो ताकि टाइम पे सो जाओ और सुबह टाइम पे उठ जाओ, तो इससे क्या होगा, आपका माइंड है बिल्कुल रिलैक्स होएगा। तो रिलैक्स माइंड आर मोर कैपेसिटी टू लर्न द थिंग्स इंस्टेड ऑफ द दैट माइंड विच इज़ वेरी लेजी एंड विच ऑलवेज बी टायर्ड। सो टायर्ड कब होगा, जब लेट उठेंगे, लेट उठेंगे तो क्लास में लेट पहुँचेंगे तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, ट्रैफिक होगा, और क्लास में पहुँचते पहुँचते ऑफिस में पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो माइंड है वो स्ट्रेस भर जाएगा, तो उस चीज़ में आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर, और कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग अफेक्ट होगी, कहीं ना कहीं आपका विजन में जो हर्डल्स है ये आएंगे। तो ये तो लगता तो छोटा सा वर्ड है कि भाई हम तो आज खा खा कुछ नहीं होता, खा पी लिया, सो गए, मौज कर ली बस, नहीं, छोटी से छोटी चीज़ से आपका इफेक्ट पड़ता है। आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आपकी कहीं ना कहीं लर्निंग अफेक्ट होगी, लर्निंग अफेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो विजन आपने बनाया है ना वो कहीं ना कहीं आपका
टूटता नजर आएगा। नहीं, विजन को टूटने नहीं देना, लास्ट तक लड़ना है। इसके लिए हम अपने आप को हेल्दी बनाएंगे, अच्छी न्यूट्रिशन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर स्लीप और जंक फूड वगैरह से दूर रहेंगे। कभी कभी खा लो, ये महीने में एक आध बार अगर खाना तो यू कैन टेक, तो लेते भी हैं बच्चे, तो मैं भी लेता हूँ, महीने में एक आध बार खा लेता हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बच्चे हैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं बाहर का खाना, डेली खाते हैं बाहर का, कुछ ना कुछ खाते हैं, प्रॉपर नहीं खाते या तो ढंग से नहीं खाते, आधा जैसे भी खा लिया, जो बाहर रहते हैं मोस्टली बच्चे हैं, तो कई बार वो है आलस कर जाते हैं कुछ बनाने में, खाना पीना बनाने में, तो जैसा है बच्चा कुछ खा के सो जाते हैं, तो वो टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, इससे भी आपको बीमार पड़ जाओगे, पेट ख़राब हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, तो उससे आपकी लर्निंग अफेक्ट होगी। तो आपको लर्निंग को इम्पोर्टेंस दो। लेकिन आजकल लोग क्या है, मेरे को सुनने में मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे क्या करना, बस कोर्स हो जाएगा, आपसे डिग्री मिल जाएगी, डिग्री चाहिए। सब इसकी बात करते हैं, डिग्री कोई भी लर्निंग की बात नहीं करता भाई, कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ बट जाएगा बेटा, सब कुछ, धन दौलत बिजनेस। अब COVID-19 में देख लो बहुत कुछ बट गया था, जो कहते थे मेरा तो बिजनेस है चल जाएगा, खुद का बिजनेस अच्छा खासा है, मैं तो फादर का बिजनेस है, मैं तो कोई पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिजनेस करूँगा, वो अच्छे से अच्छे जो बच्चे ऐसे बोलते थे उनके बिजनेस धराशायी हो गए थे COVID-19 में। तो ऐसी सिचुएशन आई थी, तो उस COVID-19 जैसी सिचुएशन में कौन कामयाब हुए, जिसके पास लर्निंग थी, कुछ जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स थी, उन्होंने अपना स्किल्स ऑनलाइन बेचनी स्टार्ट की। किसी को एक टेक्नोलॉजी की स्किल, लोगों को एग्जाम एंग्जाइटी हो जाती है, तो उस केस में क्या करें, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ा डर लगने लग जाता है और एंग्जाइटी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, तो उस केस में क्या करना है कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स होना है, मेडिटेशन पर फोकस करना है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमें अपनानी है। तो उस केस में जब आपको लगे कि आपको एंग्जाइटी होने लगी, एग्जाम एंग्जाइटी होने लगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो कोई एक जो रिलैक्सेशन म्यूजिक सुन लो एग्जाम या जो भी है स्ट्रेस रिलैक्सेशन या एंग्जाइटी रिलैक्सेशन, कोई भी अपना रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करो, या मेडिटेशन रिलैक्सेशन से रिलेटेड 5-10 मिनट के लिए कोई म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर होगा, कम होगा। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, एक उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और थोड़ा सा मेडिटेशन करो, तो इससे आपका कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है या जो एग्जाम एंग्जाइटी है वो कहीं ना कहीं आपकी कम होगी, तो इससे आपको थोड़ा सा फ़र्क फील होगा और इससे आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एंग्जाइटी हमें नहीं लेके आनी, कोई घबराहट नहीं लेके आनी, क्योंकि अटेम्प्ट हमने जो पढ़ा है अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जो भी मैंने टेक्निक अपनाई है उनको फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं लगता कोई एग्जाम जो एंग्जाइटी आपके अंदर आएगी या कुछ ऐसा फील करोगे, तो सारे स्टेप को जो क्रिटिकली फॉलो करोगे तो एंग्जाइटी कहीं नहीं रहेगी, घबराहट नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी जितने भी मैंने टेक्निक्स बताई हैं, और आप देख लो एग्जाम में 100% आपका जो रिजल्ट्स है वो मिलेगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 9th पॉइंट हमारा प्रैक्टिस। सो हमें प्रैक्टिस करते रहना है, वी नेवर स्टॉप। मैंने अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है, कीप प्रैक्टिसिंग। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होंगे। जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ना तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़े दिनों बाद वो ख़त्म होनी स्टार्ट कर देगी। जब अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, उन चीज़ों को बार बार रिपीट करोगे, तो द रिपीटेशन ऑलवेज क्रिएट ए गुड इंप्रेशन ऑन योर माइंड, ऑन योर मेमोरी। इफ़ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें धीरे धीरे भूलने स्टार्ट कर दोगे। तो स्पेशली जहाँ पे हम प्रैक्टिकल वर्क्स हैं, जहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल वर्क्स है या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, या जो कोडिंग का डाटा है या कोडिंग से रिलेटेड हमारा कोई है CSE का, या कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो उस केस में जो कोडिंग से रिलेटेड हमारे जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन चीज़ों में हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक हमारे पास रिजल्ट रिफाइन ना आ जाए, जब तक जो सब्जेक्ट की जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो जाए, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो। जब आपको लग जाए कि बिना देखे मैं इन चीज़ों को कर लूँगा अटैम्प्ट, कोई भी मेरे को दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप चीज़ों को कर लोगे, या कॉन्सेप्ट की जो चीज़ों को आराम से कर लोगे, या बिना देखे इन चीज़ों का अटैम्प्ट कर लोगे, तो समझ लो आपका जो है आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम प्रैक्टिस आप रोक सकते हो, जब तक आपके एग्जाम्स के बाद फिर दोबारा रिवाइज कर सकते हो अगर डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और वोमेन परफेक्ट। तो दोनों के लिए बोलूँगा, मैन और वोमेन है, या हर एक को एक परफेक्ट बनाती है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, एक परफेक्टनेस आ जाती है। बाकी सब करते हैं प्रैक्टिस, पर सही तरीके से प्रैक्टिस हमें करनी है चीज़ों को लेके, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं या जो भी टॉपिक्स हैं
उनको रिवाइज करना है, अच्छे से रिपीट करना है और उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, और लिख के भी कर सकते हो, बार बार उन चीज़ों को लिख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो या न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल्स उनको सोल्व कर सकते हो। ये था हमारा 9th पॉइंट। उसके बाद हमारा जो 10th पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में बिलीव करना है, ये नहीं कि आप कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस या कम हो रहा है, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो अपने आप पे पूरा विश्वास रखिए। किसी से भी कोई भी वो नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लोग वाले रिश्तेदार 100 बातें कहेंगे, आपके फैमिली वाले 100 बातें कहेंगे, बहुत सारे दोस्त 100 बातें कहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। बिलीव है, जो बिलीफ बना रहना चाहिए आपका। बिलीव, अगर बिलीफ अच्छा है आपका तो आप कामयाबी बिल्कुल हासिल करोगे एंड सक्सेस दूर नहीं है। तो ये जब मेरी जब मैंने 10 टेक्निक्स बताई हैं, ये 10 की 10 अगर टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट कर लोगे अपनी लाइफ में, तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपका जो लर्निंग में सुधार आएगा, आपका जो एग्ज़ाम्स है वो इम्प्रूव होगा। आप कंपेयर कर लेना, आपका अगर आपने UGC नेट एग्ज़ाम आपने पीछे दिया है और आफ्टर अडॉप्टिंग ऑल दीज जो 10 टेक्निक्स, देन यू कैन कंपेयर योर रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन, एंड इफ यूर नॉट रिजल्ट विल नॉट इम्प्रूव, देन यू कैन कमेंट मी एनी टाइप ऑफ द कमेंट यू डू ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं श्योर हूँ, अगर 10 की 10 टेक्निक आपने प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर ले तो कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस अपने आप में बिलीफ रखिए, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए, और चीज़ों को आप सही तरीके से ढंग से आप जो है चीज़ों को सही तरीके से कीजिए, और आप सबसे मोर इम्पोर्टेंट हेल्दी लाइफ जीजिए और अपना जितने भी डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें सोशल मीडिया को कम से कम टाइम दें, अपने थ्रेट्स को रिमूव करने की कोशिश करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, तो उसको आप आजमा के देखिए, कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा YouTube आप सब्सक्राइब कर सकते हो, YouTube चैनल तो लिंक है नीचे दिया गया है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इस तरह से बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो के साथ मैं बाकी वीडियो में भी आऊँगा, और आप बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और बने रहिए।